पता है मेरे भाई, मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा मैंने लात खाई है भाई लड़कियों से। मैंने ज़बरदस्त तरीके से धोखे खाए हैं, लेकिन कभी कभार गलती से ही सही, कुछ तुक्के में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो कि मेरे को उसका बेनिफिट बहुत तगड़े तरीके से मिला है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ आपको कुछ गलतियाँ बताने की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगेन, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने तुक्के में की थी मगर वो साइकोलॉजिकली एकदम सही थी, जो कि मुझे अभी समझ में आता है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे लड़की और ज़्यादा आप पर पागल हो सके। तो अगर आप चाहते हैं वो कुछ साइकोलॉजिकल चीजें जो कि आपके एटीट्यूड को इंप्रूव करेंगी, आपके सोचने के तरीके को इंप्रूव करेंगी, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आपको और अच्छा बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करेंगी, तो आपके वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से लड़की आपका काट देती है, और आप अगर नहीं कटवाना चाहते तो इस पर जरूर फोकस करेगा। सबसे पहली चीज जो गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे हमको कोई लड़की पसंद आती है, हम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता दें कि भाई क्या लड़की क्या मस्त है भाई, वो रेड वाली है ना तेरी भाभी है, वो ग्रीन वाली तेरी भाभी है, ये है वो भाई, पसंद आ गई, सच्चा प्यार हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखो इसका एकमात्र बेनिफिट जो मुझे दिखता है वो ये होता है कि लड़की को पता लग जाता है तो लड़की घर जाती है, सोचती है आपके बारे में कि आप क्या हो, कैसे हो, आप उसको पसंद करते हो, तो नेक्स्ट डे जब भी आएगी तो थोड़ा आपके सामने इतराएगी, आपको लगेगा कि वाह मुझे देख रही है, मुझे देख के इन्फ्लुएंस हो रही है, नोटिस कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर साइड देखेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं। पहला रीजन जो कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए वो ये कि भाई जब भी आप किसी लड़की को पसंद करते हो और अपने फ्रेंड्स को बताते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को उल्टा ये बता रहे हो कि देखो वो जो लड़की है वो अच्छी है। तो जब किसी को इंसान को पता चलेगा कि वो सामने वाली अच्छी है तो भाई वो आपके लिए कोशिश करेगा पटवाने की या खुद पटाएगा? मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपको कोई दोस्त आके बताए कि भाई कल ना एक शॉप है वहाँ पर एक प्रोडक्ट है बहुत सस्ता मिल रहा है, कोई भी सेकंड हैंड बाइक मिल रही है ज़बरदस्त सस्ती 50% रेट पे मिल रही है, अभी 6 महीने पहले ही ली थी, 50% कम रेट पे मिल रही है, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको भी अगर वो बाइक चाहिए हो, और लड़की तो चाहिए ही होती है, तो ये लगा लो आपको बाइक चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचोगे अपने बारे में सोचोगे? मेरे भाई आप अपने बारे में सोचोगे, क्योंकि इंसान ऐसा ही मतलब ही होता है, मैं होऊंगा मैं अपने बारे में सोचूंगा, तुम होगे अपने बारे में सोचोगे। एक चीज़ याद रखना, कोई भी भलाई करने वाला यहाँ नहीं बैठा, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी मेरे भाई, ये चीज़ मान के चलो। बुरी लग रही है बात, अच्छी बात है, बुरी लग रही है तभी तो सोचोगे इस पर। तो कभी अपने फ्रेंड्स को मत बताओ, क्योंकि उनका ध्यान भी लड़की पे जाएगा, वो बोलेंगे ओ वाह लड़की कैसी है यार। और लड़कों में ना थोड़ा कंपिटेटिव नेचर होता है, वो जेलस फील नहीं करते एक दूसरे से, बट देन कंपिटेटिव नेचर होता है। लड़कियों में कंपिटेटिव नेचर नहीं होता, बट वहाँ पर वो जेलसी फील करती है, तो दोनों का अलग अलग तरीका है। लड़के ने जैसे देखा आपके फ्रेंड ने कि वो लड़की है, भाई उनका ध्यान उस पे जाएगा, वाओ कितनी अच्छी है यार, बहुत अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें पसंद आई तो उसको भी, वो भी कुछ ना कुछ देखे कि और क्या क्या तरीके हैं। इससे आप अपने कॉम्पिटिशन्स को ऐड कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि है ना चुपचाप करना चाहिए, एकदम शांति में ही करना चाहिए। आपने देखा होगा कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइस, ऐसे ही कुछ है ना, कि शांति मेहनत करो और अपनी जो सफलता है ना उसको शोर मचाने दो, उसको शाउट करने दो। आप क्या करते हो, पहले ही चिल्ला के रख देते हो, दोस्तों को बता देते हो, तो पहला रीज़न तो ये कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, दूसरा रीज़न ये कि लड़की को पता लग जाता है। इसका फ़ायदा मैंने बताया कि लड़की अगले दिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नोटिस करे, बट वो नोटिस नहीं कर रही, वो देख रही है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रही है कि देख 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 कैसे ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, देख कैसे अभी फिर देख रहा है, वापस देखेगा, अपने फ्रेंड्स से बताएगी, उनकी फ्रेंड्स आपको देखेंगी, मस्ती करेंगी, मजाक करेंगी, मज़े लेंगी, अच्छे तरीके में बताऊँ। तो ये बेनिफिट तब तक है जब आपको इसको अच्छे से अपने फेवर में लेना आता है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इस चीज़ को फेवर में लेते हैं। बट अगेन जब लड़की को पता लग जाएगा तो भाव दिखाने लगेगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप चाहो कि लड़की भाव दिखाए। दूसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई कि हमने एक नया चैलेंज स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे भाई, प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को देखकर लाइक जरूर करना। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड चीज़ कि लड़की ना अब उसी देख लीजिए कि लड़की थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगी। एक बात बताओ कि जब भी आपको किसी को एक थप्पड़ मारना हो, ठीक है, किसको एक थप्पड़ मारना है, तो आप क्या उससे पूछोगे कि तेरे को पता है मैं भी एक थप्पड़ तेरे को मारने वाला हूं, खींच के चाटा मारूंगा भाई, टट से मारूंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा मुझे, मैं तो कोई थप्पड़ मारने वाला हूँ, बता के मारोगे? तो भैया वो अगर उसको बता ही दोगे तो वो डिफेंड करेगा ना, वो अपने आप को पीछे खींच लेगा या तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, बोलेगा चूतिया है क्या, पागल है क्या, मार के तो दिखा। तो ये चीज़ कुछ जो होती है ना, अटैक कह लीजिए, कब्जा कह लीजिए, कभी भी बोल के नहीं होता। जब आप पबजी खेलते हो तो किसी को मारने से पहले पूछते हो कि मैं तेरे को मारने वाला हूँ,
इधर उधर जिगल करना है तो कर ले, मैं तेरे को मारने वाला हूँ, हेडशॉट दूंगा, पट्ट से दूंगा। बताते हो नहीं बताते ना। तो जब आपको लड़की पटानी है तो भाई लड़की को बता क्यों रहे हो कि मैं तुम्हें पटाने वाला हूँ। पट जाए तो पता लगने दो ना कि हमने ये किया था, हम तुमको ऐसे पसंद करते थे, हम ये करते। तो पहले ही चीज़ मत बताओ, लड़की डिफेंसिव हो जाएगी, लड़की आपके जितने भी दाव आएंगे उनको इग्नोर कर देगी। चाहे आपने लव जेम्स की वीडियो देखी हो, चाहे कोई भी ए टू जेड आपने देखी हो भाई वीडियोज़, कितनी भी साइकोलॉजी आप जानते हो, लड़की आपका कार्ड खींची ली जाएगी। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो जन्मजात बचपन से ही उनको साइकोलॉजी आती है, लड़कियों से आप नहीं जीत सकते। तो मेरे भाई कभी भी आप ढिंडोरा मत पीटो कि आप किसी लड़की को लाइक करते हो, आराम से मन में रहने दो और आराम से अंदर ही अंदर काम करते रहो। और जब लड़की आपको दिखे ना कि आपके झांसे में फंस चुकी है, फिर उसको बताओ। उसको बताने की जरूरत भी नहीं है यार, लड़की खुद बताएगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, खुद पूछेगी क्या तुम मुझे पसंद करते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। दूसरी गलती जो कि आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वो है प्रपोजिंग टू अर्ली। अब बहुत जल्दी लड़की को प्रपोज कर देते हो। एक दो चीज़ होती है लड़की को पता रखना कि कहीं ना कहीं आप उसको लाइक करते हो, जो ये सिचुएशन है कहीं ना कहीं शायद आप उसको लाइक करते हो, मे बी नॉट, माइट बी, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद। ये सिचुएशन अच्छी होती है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न स्टेट क्रिएट करती है, कन्फ्यूजिंग स्टेट क्रिएट करती है जो कि आपके फेवर में जाएगी। क्योंकि लड़कियों को वो हर एक चीज़ पसंद आती है जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पर लड़की को किसी भी चीज़ में श्योरिटी मिलेगी लड़की वो चीज़ नहीं करेगी। तो आपको कन्फ्यूज़न लेकर आना है, जब लड़की को कन्फ्यूज़ कर दोगे लड़की अपने आप पर अट्रैक्शन फील करेगी मेरे भाई, ठीक है। तो लड़की को जल्दी प्रपोज मत करो, लड़की का ईगो जल्दी सेटिस्फाई मत करो, बाद में सेटिस्फाई करो, धीरे धीरे सेटिस्फाई करो। कभी कभी लगने दो कि आप उसको पसंद करते हो, कभी कभी लगने दो कि आप पसंद नहीं करते। तीसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि आपको नहीं करने की, फोकसिंग टू मच ऑन अ गर्ल। किसी भी लड़की पे इतना ज्यादा फोकस मत कर लो कि आपका जो मेन काम है आप उसको छोड़ दो। अगर आप कॉलेज में हो तो मेरे भाई कभी भी अपने पढ़ाई को छोड़ के लड़की पे फोकस मत करो। अगर आप ऑफिस का काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो अपने काम को छोड़ के लड़की पे फोकस मत करो। मैं ये सारी गलतियाँ कर चुका हूँ, इसका फल मुझे मिल चुका है नेगेटिव वे में। और मतलब जो गलतियाँ मैं कर चुका, मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करो मेरे भाई। और अगर आप स्कूल में हो तो प्लीज़ प्लीज़ लड़कियों से दूर रहो मेरे भाई। लड़की ये बाजी आपके लिए नहीं बची, पूरी ज़िंदगी बची है यार। पैसा कमाना, अच्छा छापना, अच्छी अच्छी लड़कियाँ आपको मिल जाएंगी, मस्ती करना, समझ रहे हो, प्यार मोहब्बत इश्क, सच्चा प्यार, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, इन सब में आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है उस चीज़ को वैसे ही रखने दो। शादी होती है जिसकी आप बात करो, आप वाइफ नहीं बना रहे हो, आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो। बहुत चुभ रही है आपको ये बात, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, आपको दुनिया यही चूतिया काटेगी बता बता के कि लड़की है, सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार करो, शादी कर लो, और क्या, अपने किसी लड़की को चूज़ करो, उससे शादी, कहाँ शादी कर लूँ, कहाँ का कर लूँ शादी भाई, लड़की भी तो कर ले शादी, लड़की कर रही है क्या शादी, घंटे का नहीं कर रही भाई, मेरी बंदी अगर कोई बने, मैं हूँगा अपने घर का लवजेंस, मैं उसको बोलूँगा शादी, ऐसे थोड़ी शादी कर लेगी यार, समझ लो, ऐसे लड़की शादी नहीं करती, लड़कियों को भी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, खैर कभी और समझाएंगे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो अलग मुद्दा है। तो मेरे भाई ये गलती मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि लड़की पट गई तब तो अच्छी बात है, वैसे भी लड़की पट गई तो भी तो आपका धंधा तो गया ना, पढ़ाई लिखाई तो छोटी गई ना, फ्लो तो खराब हो गया, पैसा जो कमाए थे वो भी तो गया, ऑफिस का काम गया, बिजनेस का काम गया, सब वहाँ पे चौपट कर लिया। और गलती से सोचो अगर बंदी नहीं सेट हुई तो फिर तो आप यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, फिर बंदे बोलते हैं मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आप सैड सैड स्टेटस डालोगे कि ये हो गया वो हो गया। मेरे भाई जब लड़की पसंद आ जाए तो ये स्टेटस मत डालना कि आई थिंक आई एम फीलिंग इन लव, आई थिंक आई लव समबडी, या जब से उसको देखा है मैं पागल हो गया हूँ, या गाने है ना दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, फलाना ढिमकाना हो गया, ये हो गया, मत रहना। और जब ब्रेकअप हो जाए, जब लड़की ना सेट हो, तो जो सैड सैड स्टेटस होते हैं ना कि दिल टूट गया है, अब तो समझ नहीं आता कि इस दिल में क्या करूं, इस दिल को कैसे समझाऊं कि ये पहला प्यार है, दूसरा प्यार, घंटा का कुछ नहीं है मेरे भाई, चीज़ों से दूर रहो, दुनिया आग लगाने वाली होती है। जिस दिन तुम ये समझ गए ना कि खुद में चाहे आपकी खुशी हो, चाहे दुखी हो, दुख हो, आपको खुद ही आपको संभालना है। जब खुश होगे तो भी आप ही होगे जो एंजॉय करोगे, जब दुखी होगे तो भी आप ही होगे, ज़्यादा क्या आपके माँ बाप ही होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे दुख में भी, सुखी जब होगे तब भी। दुनिया ये दोस्त वोस्त क्या होते हैं भाई, दोस्त यार प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। अब ये आप कह दो कि भाई तेरे दोस्त अच्छे नहीं निकले, तो तेरी कोई बंदी अच्छी नहीं निकली, तो हमें क्यों बोल रहा है, तो आप भी कर लो प्यार, आप भी कर लो दोस्ती, बता देना मेरे को भाई, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छे अच्छे दोस्त भी होते हैं, दोस्त आपके कभी स्कूल में भी रहेंगे, कितनी आपकी उनसे बात होती है, कॉलेज वाले रहे तो भाई ऐसा ही होता है, जिनसे टच में रहते हो आपको लगता है वो दोस्त हैं, एक दूसरे का दुख इधर उधर बांट लेते हैं, उसके बाद कोई किसी का सगा नहीं होता। वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस चीज़ से थोड़ी भी
अग्री करते हो तो। और एक और चीज़ जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए वो है कि लव जेम्स की वीडियो को देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ कृपा बरसने लग जाती है भगवान के द्वारा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब इससे मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाता हूँ। और मैं जितने अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा, जितनी मेहनत करूंगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी साइकोलॉजी आप समझोगे और उतना ज़्यादा मेहनत आप लड़की पर करोगे अपने काम धंधे को फोकस करते हुए, तो आप देखोगे कि आपको और मज़ा आने लग जाएगा। तो मेरे भाई एक लाइक छोटा सा कर देना, और अगर आपने नहीं किया है हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।